नमस्ते कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम जिस कविता के बारे में बात करने वाले हैं उसका शीर्षक है श्रवण कुमार जहाँ तक मैं जानती हूँ रामायण में एक कथा आई हुई है नेत्रहीन माता पिता की एक संतान थी श्रवण कुमार जो बड़े ही मातृ पितृभक्त थे माँ बाप की सेवा करना ही वो अपना सब कुछ मानते थे एक दिन माता पिता की इच्छा पर ही वो उन्हें तीर्थ या, तीर्थ यात्रा पे लेके जा रहे थे तो रास्ते में माता पिता को बहुत प्यास लगी घने जंगल में श्रवण कुमार गए और उनके लिए पानी ढूंढने लगे उसी समय वहाँ पे राजा दशरथ आए हुए थे शिकार ढूंढ रहे थे सुबह से लेकिन दिन बितने को आया उन्हें कोई शिकार नहीं मिली थी तो उन्हें उस जंगल में कुछ पानी के लहरों की आवाज़ सुनाई दे देती है तो दशरथ जी अपना वेधक तीर उस तरफ चलाते हैं तो उन्हें आवाज़ आती है, है माह दशरथ जी वहाँ पे दौड़ते हुए चले जाते हैं और देखते हैं एक कोमल बालक उनके तीर की वजह से घायल हुआ है दशरथ जी की आंखें आंसुओं से बहने लगती है उन्हें बहुत पश्चाताप होता है लेकिन सुलझा हुआ बालक ज्ञानी बालक श्रवण कुमार इन उन्हें कहता है मेरी मृत्यु हो रही है इसका मुझे कोई अफसोस नहीं ये देह तो सबको एक ना एक दिन छोड़ना ही है लेकिन मुझे इस बात का दुख ज़रूर है मेरे नेत्रहीन माता पिता की सेवा में आगे कुछ नहीं कर सकता तो मेरी आखिरी इच्छा समझ के आप मेरे माता पिता की देखभाल आप मेरे पश्चात कीजिए और उन्हें तीर्थ यात्रा पे लेके जाने की मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए क्या दोस्तों आज के जमाने में ऐसे श्रवण कुमार है इतने अपने माता पिता के बारे में सोचने वाले बालक है क्या दर्शाया है इस कविता में सीता जी ने आइए बात करते हैं उन्हीं से नमस्ते सीता जी नमस्कार आपका स्वागत है तह दिल से आपका स्वागत और आपने ये जो कविता लिखी है श्रवण कुमार इसके बारे में ही आप हमसे आज बातचीत करने वाली है और मैं आपसे पूछना चाहूंगी ये कौन सा श्रवण कुमार है या रामायण वाला श्रवण कुमार है या और कोई हर पिता माता के लिए उनकी संतान श्रवण कुमार जैसी ही प्यारी होती है बिल्कुल लेकिन आज वो वाला प्यार माता पिता की तरफ से तो है संतानों की तरफ से कहीं खो गया है उसी को मैंने लक्ष्य करके कविता लिखी है क्योंकि इतने बड़े जीवन के अंदर मैंने कई ऐसे संयोग देखे कि जहाँ माता पिता को बच्चे अकेला छोड़ के चले जाते हैं वृद्धावस्था में बिल्कुल सही जिस समय उन्हें सहारे की जरूरत होती है या अपने कुछ लोगों की जरूरत होती है वह आप ज्यादातर देखिए अमीरों के बच्चों के माता पिता ही वृद्धाश्रम में मिलेंगे किसी गरीब के नहीं मिलेंगे जी वो महीनों के चालीस पचास हजार तो देने में राजी है लेकिन माता पिता को साथ रखने में राजी नहीं उन्हें वो धन की जरूरत नहीं उन्हें प्यार के धन की जरूरत है उन्हें सहारे की जरूरत है अपनों के सहारे सहारे, की अपनों के तो सहारे सहारे वह... भी मिल जाते हैं लेकिन उन्हें अपने के सहारे अपनों के अपनों का सहारा और सिर्फ कर्तव्य भाव से किया हुआ सहारा नहीं तो प्यार से किया दिया हुआ सहारा उन्हें प्यार से जिस प्यार से माता पिता ने उनको पाला है कुर्बान जाकर जी हाँ आपने इस कविता में कहा है माँ थी माँ थी सब सुनती थी माँ थी सब सुनती थी पथ के कांटे पलकों से चुनती थी अपने बच्चों का संभलती थी अपने बच्चों का संभल थी अपने उनके वो बुनती थी अपने बच्चों का संभल थी सपने उनके वो बुनती थी वाणी से कहती अंतर से शक्ति देती वाणी से कहती अंतर से शक्ति देती जैसे मीठे गीतों की मीठी धुन सी थी क्या बात है मीठे गीतों की मीठी धुन सी थी कितनी सुंदर उपमाएँ आपने माँ को दी है लेकिन क्या आज हम देखते हैं हर एक आदमी अपने करियर के पीछे दौड़ता है तो आजकल की माँ जो है उनका उनका इतना लक्ष्य वो दे पाती है अपने बच्चों की तरफ वो इतना लक्ष्य दे पाती है क्या कहेंगे आप इसके ऊपर दर्शकों में आपसे भी हूँ। एक यक्ष प्रश्न एक बार पूछा गया था कि एक नदी में से चार घड़े भर दिए तब भी वो कभी खाली नहीं हुई लेकिन यक्ष प्रश्न ये था कि वही चार घड़े मिलकर एक माँ को नहीं पानी पिला सके तो कहावत यह है कि माँ कैसी भी हो कितने भी बच्चे हों उसको प्यार से पाल लेती है बेशक कामकाजी महिलाएँ हैं आजकल लेकिन वो भी अपने बच्चों पर उतना ही ध्यान देती हैं माँ दिन रात काम करके भी अपने बच्चों को प्यार से पालती है उसकी सारी शिक्षा दीक्षा का पूरा विचार रखती है माई और गुरु यही तो जीवन में दोनों मार्गदर्शक हैं जो हमें सही दिशाएं दिखाते हैं फिर उन दिशाओं का चुनाव कैसे करें उनको निर्धारण कैसे करें कि मुझे किस राह जाना है किस राह नहीं जाना है वो भी उसका अच्छा और बुरा परिणाम भी सामने बताते हैं तब जाकर अगर हम सही दिशा चुन लें और उसके बाद उसके ऊपर कर्म की मोहर लगा दें तो परिणाम हमारे हक में होगा अन्यथा परिणाम मिलेगी नहीं कर्म किया नहीं तो परिणाम कैसे मिलेगा इसलिए माँ बाप से बड़ा कोई शिक्षक नहीं इसलिए क्या कहा जाता है भगवान हर जगह नहीं हो सकता था इसलिए उसने माता पिता को जमीन पर भेज दिया ये बात तो सही है माता का प्यार तो नहीं कम कम हुआ लेकिन क्या है आजकल के ज़माने में माँ का अपना करियर और बच्चों की पालना इन दोनों का बैलेंस वो कैसे करें क्या आप कहना चाहती हो इस पर कुशल होती है तो कर लेती है आप अब देखिए बड़ी-बड़ी बिजनेस आज जो घर भी संभाल रही हैं और माँ परिवार को भी संभाल रही है लेकिन फिर हम जैसे कहते हैं ऐसे पालना घर जो है उनकी संख्या भी बढ़ रही है ऐसे बच्चों बे, बच्चे बेबी सिटिंग को जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान कम हो जाता है माँ बाप का तो वो और कैसे उन्हें अच्छी पालना दे इसलिए मैं कह रही हूँ कि आजकल हम देखते हैं बच्चों में और माता पिता में बहुत सी दूरियाँ है क्योंकि वो सुबह जाते हैं रात को दस ग्यारह बजे आते हैं काम से तो इस समय बच्चों की देखभाल वो और अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं जितना समय वो उनके साथ है वो समय वो कैसे उनके प्रति अच्छी तरी, तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़े समय में भी बहुत सारे हम ऐसे अवसर निकाल सकते हैं अच्छा जब हम भोजन कर रहे हैं हाँ आज क्या होता है सब अपने अपने कमरे में भोजन ले जाके अपने बेड पे बैठ के टीवी चला के खाते हैं हाँ वही और पहले क्या प्रथा थी सारा परिवार इकट्ठा मिलके खाना खाता था पूरे दिन की बातें एक दूसरे को सुनाना पूरे दिन एक दूसरे ने क्या किया बातें करना सब एक दूसरे का मन हल्का कर लेते थे और सब बांट लेते थे जी हाँ तो वही परिपाटी हम फिर से भी तो ला सकते हैं हम भोजन कक्ष के अंदर सब मिलकर भी तो खा सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी बात आपने कही कि हम भोजन तो साथ में कर सकते हैं आगे आपने कहा है जब नभ का रंग सिंदूरी होता जब बार में देखिए पहले पैरे को ही आपको दोबारा सुनाती हूँ अच्छा ध्यान दीजिएगा माँ थी सब सुनती थी पथ के कांटे पलकों से चुनती थी अपने बच्चों का संबल थी वो सपने उनके थे वो बुनती थी वाणी से कहती अंतर से शक्ति देती कहाँ हम गलत हैं कहाँ हम ठीक हैं वाणी से बताती है लेकिन अंतर से संबल भी देती थी, थी कि इसको हम इस परिस्थिति को हम कैसे ठीक करें इस परिस्थिति में हमें क्या करना है क्या नहीं करना जैसे मीठे गीतों की मीठी धुन सी थी कितना भी हारा थका मन हो जब संगीत की मधुर ले कानों में जाती हैं क्या मन शांत नहीं हो जाता हिलते पानी के अंदर क्या आप अपना चित्र देख सकते हैं शांत और गंभीर जल होगा तो उसमें अपनी आकृति को आप साफ साफ देख सकते हैं ऐसे ही जब मन हिल जाता है परिस्थितियों में उस समय माँ वो सहारा बनती है जो उसको ठीक करके हमें सही दिशा चुनने में मदद करती है इसीलिए मैंने लिखा कि सपने हमारे होते थे और बुनती वो थी क्या बात है क्या बात है मुझे ऐसा लगता है इस कविता को आपने बहुत ही महसूस करके लिखा है तो आप अपनी माँ के बारे में क्या कहेगी मेरी माता जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि अच्छा। उनके जमाने में लड़कियों को कोई इतनी शिक्षा देता नहीं हाँ। था यह आप भी जानते हैं लेकिन फिर भी संस्कार बहुत थे उनके अंदर क्योंकि उस समय भी वो आर्य समाज से जुड़ी हुई थी अच्छा और हारमोनियम बजाती थी और स्वतः ही गीत लिखती भी थी और सत्संग में जाया करती थी वहाँ गाती थी अच्छा क्या बात है तो हम कहते हैं ना कि वो आप में भी वो गुण आ चुके हैं तो पढ़ने का उनको अवसर नहीं मिला लेकिन उनके घर में भी इतनी वो नहीं थी कि वो कहीं जा ना सके तो उस समय आर्य समाज का इनका ही चलन था लोग सत्संगों में जाना ही ज्यादा पसंद करते थे अच्छा तो वहाँ वो जाया करती थी अच्छे अच्छे सुंदर भजन बनाया करती थी वा? गाया करती थी और वहाँ की अच्छी शिक्षा उसे बहुत प्रेरित थी और घर में आकर हमको उसी प्रकार वो शिक्षा देती थी अच्छा अच्छा क्या बात है और मेरे पिताजी डॉक्टर थे अच्छा मेरा भाई भी डॉक्टर है तो अनुशासन प्रिय बहुत थे वो अच्छा वो सुबह चार बजे उठ के घूमने निकल जाया करते थे और जब वो वापिस आए छ बजे तो कोई भी उनको बिस्तर के ऊपर नहीं मिलना चाहिए ये हमारे घर का नियम था ओह अच्छा उस जमाने में तो छतों पर सोया करते थे आराम से ठंडी ठंडी हवा सुबह सुबह चल रही होती थी लेकिन मेरे माता पिता को पसंद नहीं था कि कोई भी बच्चा देर तक सोए सूर्योदय से पहले सबको स्नान करके तैयार हो जाना होता था लेकिन हम समझते हैं कि आज वो कितना काम आता है जी हाँ हमको कितने ही बजे कहीं भी जाना हो, हमें कोई कठिनाई नहीं होती बिल्कुल 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 ऐसे ही पूछती हूँ आपसे कि अगर इस नियम का उल्लंघन कोई करे तो कोई अनुशासन था कठोर अनुशासन मेरे पिता का इतना था कि उल्लंघन करने की कोई सोच ही नहीं पाता था <laughs> बहुत ही अच्छी आपने बातें बताई और आप भी उस जमाने में चली गई साथ साथ बातें करते हुए आगे आपने लिखा है जब नभ का रंग सिंदूरी होता जब नभ का रंग सिंदूरी होता उजला सा लगता नील लग गगन माँ की रसोई की सुगंध से महक महक जाती थी पवन माँ की रसोई की सुगंध से महक महक जाती थी पवन हमें भेज देती पाठशाला हमें भेज देती पाठशाला मन में अभिलाषाएं गुनती थी मन में अभिलाषाएं गुनती थी माँ थी सब सुनती थी क्या बात है आपने इसमें रसोई की बात की है साथ साथ आपने हाँ पाठशाला की बात की है फिर अभिलाषाओं की बात की है लेकिन आजकल हम देखते हैं ना वो खान पान रहा ना वो सब संस्कार है अभिलाषाएं तो है माता पिता की अपने बच्चों से बहुत सारी अभिलाषाएं हैं लेकिन अगर वो पूरी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा दुख होता है तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी तो पूरा करने के साधन सीमित थे तो अभिलाषाएं भी सीमित थी हाँ ना किसी को इतने गैजेट्स चाहिए थे थे ही नहीं हाँ ना कोई घर में टीवी होता था तो बहुत सारे चैनल के कारण रिमोट का झगड़ा है ही नहीं जी इतने सारे ड्रेस भी नहीं चाहिए थे <laughs> तो आशाएं कम रखते थे हम बच्चे क्योंकि उस समय वही चलन था वही अच्छा। सबका चरित्र था उस समय का जीवन चरित्र प्रधान था कर्म प्रधान था हुँ, आज हुँ। बेशक दिखावा प्रधान हो गया है अच्छा। उसको तो मानेंगे अच्छा एक ड्रेस को अगर आप दो जगह पहन जाएं तो आपसे पहले आपके बच्चे ही कह देंगे आप ये कल पहन कर गए थे वो कैसे फोटो रिपीट होते हैं ना ड्रेसेस पे <laughs> फोटो ही नहीं थे जी हाँ <laughs> लेकिन um... आजकल आपने रसोई की बात की है आजकल वो जमाना भी नहीं रहा कि सब घर में भोजन बनाते थे सब एक साथ खाते थे आजकल बाहर खाने की ही आदत ज्यादा हो गई है इसके ऊपर भी आप क्या कहना चाहोगी कुछ देखिए मैंने जो लिखा जब नब का रंग सिंदूरी होता उजला सा लगता नील गगन आज के बच्चों ने तो सुबह देखी ही नहीं होती है जी हाँ सुबह आंखें मलते मलते बच्चों को उठाकर लोग बस में रख देते हैं स्कूल जाने के लिए और छुट्टी वाले दिन मा, माता पिता भी गलत लाड़ करते हैं अरे सोया रेन दो आज तो जल्दी नहीं उठाना जबकि हमारे माता पिता का ये नियम था छुट्टी है चाहे कुछ है समय पर उठना है समय पर भोजन मिलना है समय पर सोना है अच्छा तो आपको क्या तो मैंने लगता मैंने इसलिए लिखा माँ की रसोई की सुगंध से महक महक जाती थी पवन हमें भेज देती पाठशाला मन में अविलाषाएँ गुनती थी मेरे बच्चे आएंगे तो उनको मैं ये सिखाऊंगी मेरे बच्चे आएंगे तो उनके लिए मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी बेशक साधन कम थे लेकिन माँ के मन में बच्चों के लिए उम्मीदें तो बहुत थी वो तो है क्रिया करने की शक्ति तो बहुत थी बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन बनाने की शक्ति भी थी और कला भी थी वो तो है तो इसीलिए मैंने लिखा मन में अभिलाषाएं গুনती थी मेरे बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे हर माता-पिता सपने तो देखता ही है ना वो ठीक है सब लेकिन एक बात आपने कही कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को अगर छुट्टी का दिन है तो ज्यादा सोने देते हैं क्या इन बच्चों के ऐसे लाड नहीं करने चाहिए कठोर अनुशासन में ही उनकी पालना करनी चाहिए अनुशासन को कठोर कहना ही गलत है तो, अच्छा मेरे विचार से अच्छा मान लीजिए बच्चों को अभी हमने इतना ढीला जीवन दे दिया जब बड़े होकर अगर वो किसी ऑफिस में ज्वाइन करेंगे किसी बिजनेस को चलाएंगे, किसी विदेश में अगर चले जाएंगे या देश में भी रहेंगे तो अपने कार्य के प्रति उनकी इतनी निष्ठा नहीं रहेगी फिर अच्छा सबसे पहले निष्ठा हमें जीवन में अनुशासन के प्रति जगानी होगी तब जाके ही तो बच्चे कार्य के प्रति उतना वो, स, वो दे सकेंगे समय अगर समय की ढील बचपन से हमने डाल दी तो समय नष्ट ज्यादा होगा क्रियान्वयन कम होगा और समय तो सबसे बड़ा खजाना है बराबर है बराबर है आज साधन ज्यादा हैं तो समय भी तो ज्यादा नष्ट नहीं होता जी हाँ सही हर, बात है आप बागीचे में शेयर करने जाइए वहाँ भी हर कोई अपना अपना मोबाइल लेकर एक एक कोने में बैठा होगा बिल्कुल <laughs> या कान पे मोबाइल लगा होगा और लोग घूम रहे होंगे जी <laughs> वो तो जमाना अभी आया हुआ है लेकिन आपने कहा कि ये माँ बाप सब सपने देखते हैं लेकिन सपने देखना अलग बात है और अपनी अपेक्षाएं जो है वो बच्चों के ऊपर हावी कर देना ये अलग बात है तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे दोनों में एक बारीक सी रेखा है अच्छा सपने नहीं देखेंगे तो बच्चों को दिशाएं कैसे दिखाएंगे दिशाएं नहीं दिखाएंगे तो वो कैसे सोचेंगे कि हमें किस तरफ जाना है हम्म तो सपने देखना भी जरूरी है वो बराबर है लेकिन क्योंकि तुम्हे... माता पिता के पास अनुभव तो है ना हाँ. किस दिशा के अंदर जाएंगे तो कितनी प्राप्ति है किस दिशा में जाएंगे तो ये चरित्रवान भी रहेंगे और जीवन में सफल भी रहेंगी दोनों ही चीज़ तो चाहिए सफलता भी चाहिए तो हाँ। चरित्र भी चाहिए लेकिन बच्चों को चरित्रवान बनाने के बनाने के जो संस्कार है उसकी तरफ माँ बाप का जो कल है वो कम है और उनको मेडिकल में एडमिशन चाहिए इंजीनियर बनाना है यहाँ इस तरफ ज़्यादा खिंचाव है तो उनकी अपेक्षाएं बच्चों के ऊपर हावी हो जाती है तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे हाँ हावी नहीं करनी चाहिए पहले अपने बच्चे की क्षमता को मुझे पहचानना चाहिए उसके बाद मुझे देखना है कि मुझे बच्चे से क्या करना है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था अब हर एक बच्चे के अंदर अपने प्रकार की कला है अपने प्रकार की क्षमता है हाँ हाँ तो किसी के अंदर चित्रकार बनने का गुण हो सकता है किसी में संगीतकार बनने का हो सकता है किसी में खिलाड़ी बनने का हो सकता है हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है जैसे हर एक ऋतु का अपना आनंद है हाँ। वर्षा में आप ठंडी बयार का आनंद लेंगे <laughs> सर्दी में उष्ण धूप का आनंद लेंगे <laughs> बिल्कुल सही है गर्मी में पहाड़ों की सैर का आनंद लेंगे <laughs> बिल्कुल सही है इस मुझे लगता है इस जहाँ की खुशी जो है ना, इस जहाँ का सौंदर्य जो है वो उसी की वजह से है कि हर एक चीज़ अलग है एक चीज़ दूसरे चीज़ जैसे नहीं है अगर दोस्तों मुझे बता दो समोसे और आइसक्रीम के टेस्ट एक होती तो क्या हमें खुशी मिलती <laughs> आगे आपने कहा है जब हम पढ़कर वापस आते जब हम पढ़कर वापस आते पास में बैठा माँ को पाते मित्रों के अध्यापक के और खेलों के किस्से उसे सुनाते कब हम जीते कब हम हारे, सारा सच बस उसे बताते किस पथ जाए किसको छोड़े सही दिशाएं वो चुनती थी माँ थी सब सुनती थी कितना सुंदर लिखा है आपने कि आपके ज़माने में ये बातचीत होती थी सब आप स्कूल से आते थे तो सब कुछ माँ को जैसे कि हम लाइव टेलीकास्ट कहते हैं किसी चीज़ का वैसा बोलना शुरू हो जाता था लेकिन आजकल हम ऐसा देखते हैं बातचीत के लिए भी उतना समय नहीं है तो क्या कहेंगे आप नहीं पहले हम जिस रास्ते पे हैं उसी पर देखिए ना आपने सही कहा कि आराम से माता पिता को सब कहानियाँ सुनाते थे हम भी सुनाया करते थे हमारे स्कूल में क्या हुआ मेरी अध्यापिका ने क्या कहा मेरे सहपाठी ने क्या कहा और माँ बड़े आनंद से सुनती थी क्योंकि माँ काम काज ही नहीं थी उस समय जी बाहर जाके कार्य करना महिलाओं का इतना चलन नहीं था उस समय हाँ। तो उनके पास भी समय था लेकिन समय खाली समय से नहीं निकाल सकते हम मन से भी निकालते हैं हालांकि वो बाहर जाकर काम नहीं करते थे लेकिन आप देखिए उनके पास कितने सारे और काम थे हुँ, हुँ. अभी तो आप मिक्सी में सब कुछ डालिए दो मिनट में पिस जाता है गैस पर कुकर रखिए लाइटर दिखाइए आधे घंटे में खाना बन जाता है तब तो माता को अंगीठी जलानी होती थी पतीली में खाना बनाना होता था समय लगता था तो वो उसके लिए जल्दी जागती थी ना तो ऐसा नहीं है उनका कार्य हमसे भी ज्यादा था ऐसी बात नहीं है तो समय के अंदर से समय निकालना ये भी तो एक कला है जी बिल्कुल जी बिल्कुल समय तो तब भी चौबीस घंटे थे अब भी चौबीस घंटे तो निकालना तो हमें उसमें से ही पड़ेगा ये हर एक का जो क्षेत्र है उसको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हम समय कैसे निकालें जी तो इसीलिए मैंने लिखा जब हम पढ़कर वापिस आते पास में बैठा माँ को पाते मित्रों के अध्यापक के खेलों के सारे किस्से उसे सुनाते कब हम जीते कब हम हारे सारा सच बस उसे बताते क्यों मित्रों के सामने मैं हार गया कहने में लज्जा आती है ना? लेकिन माता पिता को तो सब सच बता सकते हैं इसीलिए मैंने लिखा कब हम जीते कब हम हारे सारे किस्से उसे बताते किस पथ जाएं किसको छोड़ें सही दिशाएं वो चुनती थी वाह तब वो हमें बताती थी अगर आप ऐसे खेलते तो आप जीत जाते अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा अगर आप ऐसे अध्यापक से बात करोगे तो आपको ज़्यादा प्यार देंगे छोटे <laughs> छोटे बातें बताया करती थी जी अगर आप ऐसे अपने मित्र से बात करोगे तो वो आपको ज्यादा प्यार से बात करेगा और कुछ बातें अपने मित्र को बता सकते हो फिर वो भी आपको खेलने में सहयोग देगा छोटी छोटी बहुत बात है क्या बात है तो इसलिए माँ जो थी सब सच्चा शाखा उस समय वही हुआ करती थी लेकिन आजकल के बच्चों की ऐसे दोस्ती है माता के साथ क्या कह सकते हैं थोड़ा उपर? थोड़ा समय दोनों के पास कम है हम्म हम्म क्योंकि हमारे पास इतने सारे कोर्स भी नहीं होते थे जितने आज बच्चों के सिर पे लाद दिए गए हैं जी हाँ और क्या हुआ है कि मोबाइल सोशल नेटवर्किंग साइट्स ये सारे फ्रेंड्स बने हैं बच्चों के इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं ना माता पिता अगर दोनों चले गए कार्य पर हम्म तो फिर कौन दोस्त बनेगा दूसरा ये है कि पहले भी हमने कहा था आज फिर कहती हूँ संयुक्त तो परिवार का बहुत बड़ा हाथ था जी जी, बिल्कुल सही है। माता पिता ने किसी बात पर डांट दिया तो हम लोग दादी के पल्लू में जाकर छिप जाते थे ऐसा हमें मालूम था कि माता पिता दादी से तो कुछ नहीं कहते <laughs> दादी माता पिता को भी डांट सकती हैं। <laughs> लेकिन हाँ एक बात जरूर थी हमारी दादी में भी इतना अनुशासन था हुँ? कि गलत बात के लिए हमारी हिमायत वो कभी नहीं लेती थी अच्छा तब तो, पर उनका समझाने का ढंग दूसरा होता था बड़े प्यार से कैसे ये गलत है ना इसलिए मम्मी डांटे हैं <laughs> लेकिन आजकल कैसे हुआ है मतलब हमारे जमाने में या आपके जमाने में या हमारे भी जमाने में अगर हमारे मन में कुछ चल रहा है या हमारे मनस्थिति कुछ ऊपर नीचे है तो हमारा चेहरा देख के माता को समझ में आता था कि इसका कुछ मूड ऑफ हो गया है लेकिन आजकल बच्चे कोई बुरी संगत में भी चले जाते हैं तो माता पिता को समझता नहीं है उसका एक कारण तो मोबाइल है क्योंकि मोबाइल हाथ में आने से दुनिया हाथ में आ गई उसमें सब कुछ वो दिखाई देता है जो हमें नहीं पता था बिल्कुल और जो बच्चों को देखना नहीं चाहिए सच बात है दूसरा कारण टीवी है मैं तो अपने देश के नेताओं से ये अपेक्षा करूंगी कि टीवी पर ऐसे ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं जो बच्चों को नहीं देखने चाहिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम दिए जाते हैं जो सबके लिए लाभप्रद नहीं है समाज के हर तबके के लिए उनमें नुकसान ही है लेकिन पैसों की खातिर टीवी वाले दिखा रहे हैं तो इसमें तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा सरकार को जागरूक होना पड़ेगा जिनके पास ताकत है उनको ठीक करने की बराबर है बराबर है आपने आगे लिखा है अब हम बैठे उच्च पदों पर कोई देश में कोई विदेश में अब हम बैठे उच्च पदों पर कोई देश में कोई विदेश में माँ की खैर खबर लेते बस माँ की खैर खबर लेते बस चिट्ठी पत्री और संदेश में छुप रहती कुछ नहीं कहती चुप रहती कुछ नहीं कहती आशीष लुटाती हर परिवेश में अंतर की सारी कसक छुपाकर माँ आप सपने भी बुनती है अंतर की सारी कसक छुपाकर कर माँ आप सपने भी बुनती है अब आएंगे, अब आएंगे मेरे श्रवण कुमार इंतज़ार में दिन गिनती है कितने सपने देखकर माता पिता ने बच्चों को पाला होता है लेकिन अगर वो बच्चे उन्हें भूल जाते हैं देश विदेश में घूमकर, तो कोई माँ सिसक कर करोती है इसके बारे में आप क्या कहेंगी एक घटना मुझे याद आ गई उसके बाद मैंने ये पैराग्राफ लिखा था अच्छा हम विदेश में गए हुए थे वहाँ से हम लौट रहे थे तो एक माता जी कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई वेटिंग में जहाँ जगह होती है एयरपोर्ट पे कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही थी सभी लोग अपना अपना सामान लेकर वापस चले गए जिनको चढ़ना था वो हवाई जहाज़ में चढ़ गए जिनको वापस जाना था वापस चले गए लेकिन वो माता जी वहीं बेंच पर बैठे सो रही थी और सो रही थी तो थोड़ी बार देर बाद जो वहाँ के गार्ड लोग होते हैं वो उनको जगाने आए बोले माता जी आपको कहाँ जाना है बोली मुझे अमेरिका जाना है तो बोले किसके साथ जाओगी बोली मेरा बेटा ना वो सामान लेने गया है वो बोला अम्मा आप यहीं बैठो मैं सब जितनी भी रिवाज हैं वो पूरा करके फिर मैं आपको साथ लेके प्लेन में चढ़ूँगा आप हमारे साथ अमेरिका चलना गार्ड ने कहा माता जी अमेरिका का प्लेन तो उड़ चुका ओ। तो माता जी के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वापस चले जाएं क्योंकि उनको तो ये कहा गया था माता जी मैं सारी जितनी भी हवाई जहाज़ में चढ़ने की कार्यक्रवाही होती है पूरा करके मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ आपका सामान भी मैंने प्लेन में रखवा दिया है अच्छा अब माता जी सत्तर वर्ष की थी या अस्सी वर्ष की होंगी पढ़ी लिखी तो थी नहीं उस समय की बेचारी उनकी प्रतीक्षा करते करते सो गई थी हम लोग तभी तभी प्लेन से उतरे थे फिर क्या किया माताजी के पास पैसे नहीं थे तो कुछ लोगों ने उस गार्ड ने हमने कुछ ने मिलकर उनके लिए इतने पैसे जुटाए फिर उनसे पूछा गया कि जहाँ वो बैठे हैं दिल्ली में उनका कोई रिश्तेदार है तो उन्होंने दूर दूर के दो चार रिश्तेदार बताए लेकिन उनको उनका पता नहीं मालूम था उस गार्ड ने कुछ यात्रियों ने जिसमें हम भी शामिल थे मिलकर उनके लिए कुछ पैसे का इंतजाम किया और वो अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई इसीलिए मैंने लिखा जब हम बैठे उच्च पदों पर कोई देश में कोई विदेश में और वो बेटा किस लिए आया था माँ बेट माँ के पास जो थोड़ा सा घर था हाँ उस पर साइन करा लिए और उड़ गया अच्छा उसको बेच सकता मतलब माँ को सहारा देने की तो प्रवृत्ति नहीं लेकिन उसका जो कुछ भी है वो भी छीन लिया ऐसे संस्कार कैसे भला आ सकता है ऐसा ही सवाल उठता है ऐसे संस्कार भले कैसे बच्चे में कैसे आ सकते हैं जो माता पिता उनकी इतनी प्यार से पालना करते हैं उनके साथ कोई व्यवहार ऐसे कैसे कर सकता है कैसे ही तो इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है हाँ हाँ क्या आजकल का ज़माना या फिर हमारा रहन सहन हमारे संस्कार या फिर आपने जैसे कहा कि गलत चीज़ों का असर इसके लिए कारण है गलत चीज़ों का कारण है एक बात दूसरी बात है कि हमारी इच्छाएं इतना बढ़ गई हैं हालांकि अच्छे पद पर था बेटा विदेश में हाँ। अच्छी पगार भी होगी लेकिन अमेरिका में जितने पगार है उतने खर्चे भी ज़्यादा हैं मे मैं तो कभी गई नहीं हूँ मुझे इतना ज्ञान नहीं है जी। लेकिन फिर भी ये इच्छा जागृत हो गई होगी कि माँ के पास जो घर है उसको बेच के थोड़ा धन और लिया जा सकता है लेकिन धन माता मात पिता का जो कुछ भी है बच्चों के लिए ही है आ, लेकिन यही तो उसने कहा था माँ आप अकेली यहाँ क्या करोगी कौन आपके बाद घर संभालेगा तो मेरे साथ चलो वहा पर आराम से रहना इसीलिए माँ बाप ने माँ ने अंगूठा लगा दिया पढ़ी लिखी तो वो थी नहीं माँ तो प्यार के साथ साथ अपना सब कुछ बच्चों के लिए कुर्बान कर देती है लेकिन बच्चे इनके लिए सहारा नहीं बन सकते हैं माँ बाप के बुढ़ापे की काठी नहीं बन सकते हैं क्योंकि भारत हमारा इतना समृद्ध संस्कारों से संस्कृति से समृद्ध राष्ट्र है लेकिन इसमें ऐसा कैसे होता है यही सवाल उठता है कि हमें कुछ ऐसे वर्कशॉप्स की या सेमिनार की ज़रूरत है जरूरत है ना बिल्कुल आपके ही प्रश्न में आपका उत्तर समाया हुआ था ना जिसको मैंने लिखा कब आएंगे जब आएंगे मेरे श्रवण कुमार वो माँ बिचारी यही सोचते सोचते तो एयरपोर्ट पे सो गई कि मेरा बेटा अभी आता है मेरा बेटा अभी आता है इंतजार में दिन गिनती है रात से सुबह बेचारी को इसी बात में तो हो गई ना कि मेरा बेटा अभी आता है अभी आता है तो ये तो एक माँ की कहानी है ना दर्शकों अनेक माएँ ऐसी हैं किसी के माता पिता वृद्धाश्रम में हैं वो साल भर इंतज़ार करते हैं कि मेरा बेटा होली पर आएगा या मेरा बेटा दिवाली पर मिलने आएगा बच्चे दूर से बस पैसे भेज देते हैं या माता थोड़ी पढ़ी लिखी है तो फ़ोन पर संदेश सुन लेते हैं और बोल देते हैं हाँ माँ मा, हम आएंगे हाँ माँ मा, हम आएंगे तो यही तो यक्ष प्रश्न है कि जिन माता पिता ने आपके लिए सारा जीवन व्यतीत कर दिया अपना दिन देखा नाराज देखा उनके प्रति क्या हमारा यही कर्तव्य है श्रवण कुमार के देश में ऐसा कैसे होता है यही तो यक्ष प्रश्न है बिल्कुल सही इसको ही तो दर्शकों आपको और हमको मिल तलाशना होगा कि हम अपना जीवन भी अच्छा बना लें अपनी आकांक्षाएं इच्छाएं पूरी कर लें कि हम देश में रहना चाहते हैं या विदेश में और माता पिता के लिए भी कोई अच्छा बंदोबस्त कर दें क्यों ना उनको भी आप अपने साथ ले जाएं वहाँ पर बच आपके बच्चे जब आप काम पर चले जाएंगे तो माँ उनकी देखभाल करेगी उनको वो प्यार देगी भले वहाँ भी साधन सब हैं लेकिन प्यार तो नहीं देगा वहाँ कोई और जब आप आएंगे थके हुए घर में तो आपको भी तो माँ का प्यार मिलेगा तो इतना सा सोचिए ना दर्शकों लेकिन जमाना बेशक आप में भी सब ऐसे नहीं होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आज भी माँ बाप पे जान कुर्बान करते हैं फिर भी सोचिए तो सही बिल्कुल सही है लेकिन ज़माना ऐसा भी आ चुका है मुझे तो लगता है आजकल के ज़माने में माता पिता ने भी बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए अगर बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं तो उनका जो कुछ भी है जैसे आपने कहा वो जो बच्चा था वो प्रॉपर्टी के लिए ही आया था तो माँ बाप ने भी ऐसा बिना सोचे समझे बच्चों को ये सब पहले नहीं देना चाहिए उत, उनको उत, उनके बलबूते पर खड़े रहने का ही बल देना चाहिए क्या आप कहेंगी आपकी बात सही है लेकिन माँ का एक ही बेटा था ना वो क्या करते हाँ लेकिन आ, मैं उस एक उदाहरण आपने दिया लेकिन बच्चों मैं... को वो नहीं करना चाहिए कि जैसे वो धोखा देकर उसको ले ले जाऊंगा करके धोखा दिया ना हाँ अगर वो सच बताता तो हो सकता है माँ ना देती या कह नहीं सकते तब भी माँ प्यार वश दे देती कि मेरा ही तो बच्चा है जी हाँ लेकिन आपको क्या लगता है माँ बाप ने बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए नहीं बच्चों के ऊपर भरोसा करना चाहिए अवश्य करना चाहिए आखिर वही तो आपका सहारा बनेंगे ना लेकिन अगर ऐसे हम उदाहरण सामने देखते हैं तो उनको क्या करना चाहिए ऐसे उदाहरण शत प्रतिशत तो नहीं है ना बहुत सारे बच्चे आज भी हैं जो माता पिता की देखभाल करते हैं और इसीलिए कहा गया कि जहाँ जहाँ भगवान प्रस्तुत नहीं हो सकते थे उन्होंने माँ को भेज दिया बिल्कुल माँ उन्हीं का दूसरा रूप है तो माँ हमेशा ही आशाएं रखती है और हमेशा ही आशाएं रखेगी आशीर्वाद लुटाएगी बच्चे भी सब ठीक हो जाएंगे हमें यही आशा रखनी चाहिए फिर से मेरा भारत श्रवण कुमार का देश बन जाएगा क्या खूब कहा आपने आपने इतना अच्छा बताया और श्रवण कुमार के जैसा हर एक बेटा भारत का हर एक बेटी भारत की बने इतनी आपने अच्छी इच्छा व्यक्त कर दी और इतनी अच्छी बातों के साथ माँ की महती पिता की महती हम तक पहुँचाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद दर्शकों आज के एपिसोड में हमने कविता पढ़ी श्रवण कुमार इस कविता के बारे में हमने जाना सीता गुप्ता जी से क्या भारत का हर एक बेटा श्रवण कुमार बन सकता है ये भारत तो ऐसी महान भूमि है जहाँ पे आदि सनातन देवी देवता धर्म था धर्म की स्थापना अब भी हमें करनी है उस धर्म को उस देवी देवता धर्म को यहाँ पे लाना है तो ज़रूर भारत के हर एक बेटे को भारत के हर एक बेटी को श्रवण कुमार बनना पड़ेगा और उन माता पिताओं के प्रति वो आभार वो उनका जो कर्ज है हमारे पति प्रति उस कर्ज़ को उतारना पड़ेगा तो आपने इस कविता में से भी बहुत कुछ सीखा होगा और मुझे पूरी आशा है आप उस पर अमल भी करोगे तो इसी के साथ मैं मधुरा आपकी इजाज़त लेती हूँ बने रहिए नमस्कार